सुंदर पड़े वाले बहुत थैंक यू सो मच तेरा अटक अटक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अरे कोई बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय थैंक यू हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आप सबको स्वतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं जो सब सोल्जर बॉर्डर पे हमारे लिए 24 घंटा काम कर रहा है वो सब सोल्जरों के लिए मेरा एंड मेरा परिवार का तरफ से शत शत प्रणाम आज मैंने तिरंगे का कलर के बेसिस पे एक स्वीट डिश तैयार करेंगे और इस स्वीट डिश पे हमने कोई फूड कलर यूज नहीं किया है तो चलिए इसको तैयारी शुरू करते हैं। मैं स्वीट बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल चूज किया है तो वेजिटेबल में मैंने गाजर लिया है मैं गेरुआ कलर के लिए और ग्रीन कलर बनाने के लिए मैंने क्यूकम्बर लिया है और उसको मैं सिल्का ले लेंगे और उसको मैं प्रिपरेशन कैसे करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गाजर को ग्रेट कर लिया है अभी मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेंगे। चार खीरा लिया है और चारों खीरा का जो सिल्का है वो निकाल लिया है हम इसी से ग्रीन कलर बनाएंगे और वो भी मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ इस सिल्का को। अभी हमने ये दोनों कलर को रेडी कर लिया है एक ग्रीन कलर है और ये गाजर से मैंने गेरुआ कलर बनाया तो अभी इसका प्रिपरेशन शुरू करती हूँ मैं। अभी कढ़ाई गर्म हो गया तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। और ये साथ साथ जो खीरा का सिल्का रखा था ये भी डाल दिया है और इसका साथ डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। अभी और 1 टेबल स्पून घी डाला गाजर अभी गाजर को थोड़ा फ्राई करके लेना है तो अभी गाजर भी डाल दिया। गाजर के लिए हमने 4 टेबल स्पून चीनी डाला है। तो अभी हम ब्रेड का प्रिपरेशन कर लेंगे। ब्रेड को चारों साइड से ऐसा करके काट देंगे। कट के इसको 2 हिस्सा में करेंगे। तो इसी तरह हमने ब्रेड को काट कर लिया है। तेल गर्म हो गया और गैस मीडियम फ्लेम पे रखा है तो अभी मैं ब्रेड इसी तरह से ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने इसी कप का 1 कप चीनी डाला है और 2 कप पानी डाला है। तो चाशनी रेडी हो गया है। इसमें तार नहीं आना है जस्ट चीनी मेल्ट हो गया और इसे पतला ही रखना है इसे पतला रखना है ऐसे। तो अभी जो पहले हमने ब्रेड को फ्राई करके रखा था वो फ्राइड ब्रेड अभी ये चाशनी के अंदर डालेंगे लेकिन चाशनी का गर्मी आपको थोड़ा सा चेक करना है जो इसका टेम्परेचर कितना है।
इसका टेम्परेचर जैसे मैंने उंगली रख सकती हूँ इसी टेम्परेचर में डिप करना है। तो अभी सारे ब्रेड को इसके अंदर हम डिप करेंगे। एक से दो मिनट इसको डीप करके रखेंगे। तो इसी तरह चाशनी से ब्रेड को निकाल लिया है। तो फर्स्ट हम तैयार करेंगे सैफरन। फिर व्हाइट एंड ग्रीन। तो इसी तरह हमने पूरा स्वीट को ऐसा करके कवर किया है। अभी हम डालेंगे ऊपर से पाउडर दूध। अभी हम हरा कलर को भर लेंगे ब्रेड के ऊपर। तो इसी तरह मैंने तीनों कलर को रेडी किया है। दोस्तों आप सभी ने देखा है ये स्वीट डिश का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा और अपना घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ये जरूर करना। और हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।